गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ ढिंगरा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो अभी हम जा रहे हैं गोवा और हमने क्या बुक करा ली है, हम हैं हैदराबाद में, हैदराबाद से एयरपोर्ट जा रहे हैं। यहां से करीब एक घंटा लगता है हैदराबाद से आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। तो मेरे साथ है वन एंड ओनली आयल राज। हाय, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप? सो वी आर हेडिंग टू गोवा एंड क्वाइट एक्साइटेड फॉर न्यू ईयर्स। सो या, जस्ट बीन देयर। तो हम पहले प्लान कर रहे थे कि हम मालदीव जाए कहीं बाहर फॉर इंटरव्यू, जैसे अभी फिर से फ्लाइट जो है बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट आने वाली फ्लाइट है, या तो वो जाम हो रही है, बंद कर रहे हैं उसको, या तो फिर आपको 7 days क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो अगेन वी फाइनली डिसाइडेड कि लेट्स गो टू गोवा, और ये हमने डिसाइड करा है कल रात को। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने ये ट्रिप बनाया है, बहुत ही लेट्स सी कैसा होने वाला है ट्रिप। चलिए अब आपको मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड, बाय। हाय गाइस, तो आ चुके हैं हम एयरपोर्ट और चेक इन हो गया है हमारा और वी आर जस्ट अबाउट टू बोर्ड। तो एज पर द रूल फेस शील्ड मैंने पहन ली है, फॉयल ने भी किट पहन ली है, ओह गॉड, टू मच। और बस फ्लाइट में बैठते हैं और निकलते हैं गोवा के लिए, अपने सफ़र के लिए। लास्ट हफ्ता है गाइस, न्यू ईयर का 2020 का लास्ट हफ्ता है, लास्ट वीक है। तो आई होप अच्छा जाना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। बैठ चुके अपनी सीट पे और टाइम हुआ है 11:30 और 12 बजे का हमारा टेक ऑफ है। तो ठीक है, अभी बहुत जल्दी यहाँ पे लोग आ चुके हैं फ्लाइट में और बहुत जल्दी बोर्डिंग हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि शायद हम जल्दी टेक ऑफ कर लेंगे। तो एक्साइटेड हूँ मैं और पायल भी एक्साइटेड हो गया है, गैस पायल वेरी मच। चलते हैं आगे की, चलने दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे विंडो सीट मिली है और पायल को सेंटर थी, बेबी किट पहननी पड़ी उसको, जाता है क्या फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग। चलो गाइस, मिलते हैं गोवा में, बाय, टेक केयर। हेलो, तो हम आ चुके हैं गोवा के एयरपोर्ट पे और एक घंटे की फ़्लाइट थी अप्रॉक्स, एक घंटा भी पूरा नहीं टू बी वेरी फ्रैंक। हैदराबाद से आपको 50 minutes लगेंगे फ्लाई करने में। तो अभी गोवा एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं, इसके बाद बाहर निकलते हैं और टैक्सी लेते हैं
क्योंकि हमने रिजॉर्ट बुक कराया वो है मॉर्जिम में। मैं जल्दी से आपको चेक करके रिजॉर्ट का नाम शेयर करता हूँ क्योंकि फुकॉट का नेम, तो मैं चेक करके आपको आपसे शेयर करता हूँ और देखते कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट से टैक्सी लेके अपने रिजॉर्ट पे जाने के लिए। चले तो आ चुके हम एयरपोर्ट से बाहर। मैं तो गड़ी पायल पाए हाय हाय। हम यहाँ से जा रहे हैं अपने रिसॉर्ट जो कि है मॉर्जिम में, जो कि यहाँ से 1 घंटा 35 मिनट दिखा रहा है मैप पे, और टैक्सी वाला ही इज़ चार्जिंग अस लाइक अराउंड 1650 एसी टैक्सी के लिए। न्यूयॉर्क का टाइम है तो ऑब्वियसली प्राइस तो पड़ेगा ही, और अगर 1.5 घंटे का रास्ता तो मुझे लगता है प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे रिसॉर्ट का नाम क्या है। मेरा रिसॉर्ट है सुयांची लोटस फीट, तो मैं उसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करूंगा और मैं दिखाता हूं कि हमारा रिजॉर्ट कैसा है। तो चलिए चलते हैं और पहुंच के बात करते हैं। सो वी आर ऑन द वे टू आवर resort to Mojim, and you know what, and meanwhile I'm teaching in Telugu. While is teaching me Telugu, yeah. So one is Okati, two is Rendu, three is Muru, Muru ये छोड़ो, फिर मेरे को आता है सिक्स। सिक्स को कहते हैं ओरू, आरू, सॉरी ओरू, आरू, ओके आरू, और दस को कहते हैं पद्दी। क्या लगता है ना, ये जो लू नहीं लग जाती है आपको गर्मी में, ऐसे लू लग जाती है तो पायल वैसे बता रही थी, तो मैं उसको रिलेट कर करके मैं उसको लर्न कर रहा हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। तो ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में कुछ सीख लिया जाए, तो हमारे पास हमारे टीचर अवेलेबल हैं यहाँ पर, तेलुगु टीचर। तो चलिए हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं और आप भी अपना टाइम पास कीजिए, तब तक मैं आप पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा रिजॉर्ट कैसा है, क्योंकि उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने सुना कि नया रिजॉर्ट है तो जाके पता चलेगा कैसा है। चलिए वेट करते हैं और मैं कुछ और काउंटिंग सीखता हूँ।